क्या चल क्या रहा है तुम्हारे? पिटेगा ना अभी। मेरा फर्स्ट घर भीलवाड़ा में जब मैं आया था तब मैं इस घर में कहाँ एटीएम ट्रैवल कर रहा है, मतलब मेरी तरह मेरे एटीएम भी ट्रैवल कर रहा है। जैसे मैंने ये घर खाली किया तब से उन्होंने किराए पे चढ़ाए। जिसको जिधर ये आ रहा है ये है हमारा तीसरा घर जहाँ पर अभी हम करेंटली रह रहे हैं। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फिलहाल बज रहे हैं एक और एक्चुअली आज मुझे जाना है अपना एटीएम कार्ड लेने। बैंक जाना जरूरी है। एक्चुअली मैंने अकाउंट तो बहुत पहले खुलवा दिया था लेकिन मेरा जो एटीएम कार्ड था ना वो इशू हुआ था और उसके बाद मैंने रिसीव ही नहीं किया था। अभी बज रहे हैं तो पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि खाना हमेशा लेट हो जाता नहीं। तो ये ले लिया खाना। ये है दही जिसमें मैंने पानी मिला के जीरा मिला के नमक मिला के पतला कर दिया, और ये लौकी की सब्जी पानी रोटी है। खाते हैं उसके बाद ही मिलते हैं। वैसे मैं आज जल्दी खा रहा हूँ, वैसे मेरा खाना 3-4 मतलब कभी कभी तो छूट ही जाता है। आज 1 बजे खाना खा रहा हूँ। रोटी ले लेता हूँ, ठीक है? रोटी ली, सब्जी ली, लौकी की सब्जी भाई। तो खाना खा लिया, अभी निकलते हैं, ठीक है? टाइम हो रहा है 1:18, अभी हम निकलते हैं। और बैंकों में अब लंच वाला सिस्टम खत्म हो चुका है कि मतलब वहाँ पर किसी भी टाइम जाकर आप अपना काम करवा सकते हो। तो अभी जल्दी से निकलते हैं, पैसे भी जमा कराने हैं, ये भी एक काम है। ये मेरे घर के सामने स्कूल है जहाँ पर लंच हुआ है जिसका शोर शराबा आ रहा था। ये सारे बच्चे घूम रहे हैं और ये मैंने अपना ले लिया झोला जिसमें पासबुक है और कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स है मेरे। इस साइड में मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? और इस साइड में हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो देखो पार्क में, वो देखो। ओए क्या कर रहे हो? ये देखो जिसको जिधर ये आ रहा है। हाय, मैं जा रहा हूँ बैंक अपना एटीएम कार्ड लेने। इधर आ देखना, हाँ आ जाओ। ये पता काफ़ी टाइम से मुझे बोल देते कि भैया व्लॉग बनाओ और हमें लो 1 महीने से कंटिन्यू बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं जब भी यहाँ लोकल व्लॉग बनाऊँगा तो तुम्हें ले लूँगा। आ जाओ या मैं बाद में मिलूँ आके। पार्थ, कन्नू, युवराज, अपना नाम बताना। जय। हमारी टीम बहुत बड़ी है लेकिन सब अलग अलग टाइम पे मिलते हैं। अभी तुम लोग दोपहर में कर क्या रहे हो? 1:30 बज रहे हैं। हम बहुत बोर हो रहे हैं, टेंशन मत लो। टाइम पास, एक ठीक है, खेलो हाँ। शाम को मिलते हैं ना? शाम को, ठीक है, ओके, बाय बाय बाय। जरूर अपलोड करना। हाँ करूंगा। ये आ गया हूँ मैं पन्ना राय सर्कल। ये बस के पीछे लिखा है यार, देखो ये लिखा है। और ये रास्ता सीधा गया है 500 चौराहे के लिए। वहाँ पर SBI बैंक है जिसमें मेरा अकाउंट। ये पूरी बैंक वाली लाइन है, पहले SBI यहाँ कोने पे होती थी, अब बैंक ऑफ बड़ौदा कैनरा बैंक इस लाइन में है। और इस साइड में अपनी SBI वो रही। अपना ATM कार्ड लेते हैं यहाँ से। मैं दिख नहीं रहूँगा, ऐसा करते हैं बाद में मिलते हैं। तो मेरा एक ATM कार्ड आ गया और मेरा ATM कार्ड फिर से डिलीवर हो गया मेरे पहले वाले घर में जहाँ मैं पहले रहता था। अब वहाँ जाकर मुझे लेना पड़ेगा लेकिन उससे पहले मुझे पैसे भी डिपॉजिट कराने हैं। मैंने सोचा मेरा ATM कार्ड मिल जाएगा तो उसको चालू करा के उसमें डिपॉजिट करा दूंगा, मुझे अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। अब मुझे अपने भाई वाले अकाउंट में जाना है, मतलब उसमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो चलो भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा यहीं पर है तो पैसे डिपॉजिट कराते हैं मशीन से। BOB बैंक ये रही, यहाँ पर मशीन से पैसे जमा कराते हैं। मशीन ही नहीं चल रही यार, यहाँ पर पैसे जमा कराने वाली मशीन ही नहीं चल रही। अब मुझे यहाँ पर इनका 1% बैठता है, 1 मित्र रुपये, उससे जमा कराने पड़ेंगे। अब ये देखो, घर में अति आवश्यक कार्य होने की वजह से आज दिनांक 29/3/2023 को दुकान बंद रहेगी, ऐसा सीन है यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर जो बैठते हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा के ही हैं, तो सेम डे में सेम टाइम पर अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है बिना किसी चार्ज के। नॉर्मली अगर मित्र से मैं करूँगा जाके तो 1% चार्ज लगता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के ही पर्सन यहाँ पे बैठा होता है। लेकिन आज छुट्टी है तो आज किस्मत ही खराब है ऐसा लग रहा है। तो चलो अब अपने घर पे चलते हैं, ATM लेते हैं, ठीक है? पहले वो तो काम करते हैं, ATM ले लें, अपना पुराना वाला घर दिखाते हैं, मेरा फर्स्ट घर जहाँ पर मैं भीलवाड़ा में फर्स्ट टाइम आया था और किस घर में गया था वो भी दिखाते हैं। अब उसके लिए हमें इस वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, वो है घर उस साइड में, पार्क के उस साइड में, आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा पास ले चलता हूँ इस वाले रास्ते से। अब ये है लाइक यहाँ पर मेरा काम बन जाए, मुझे मेरा ATM मिल जाए, बस और तो कुछ नहीं। मैं इतने दिन से मतलब ATM के लिए वेट कर रहा था, जब से मैंने इशू कराया तब से मैं वेट कर रहा था। ये है वो घर जहाँ पर मैं पहले रहता था, मेरा फर्स्ट घर भीलवाड़ा में जब मैं आया था तब मैं इस घर में रुका था। तो चलो ATM मांगते हैं। अब सीन कुछ ऐसा हुआ कि लाइक यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आया नहीं है, ठीक है? अब मुझे बैंक दोबारा जाना पड़ेगा और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि 1-2 दिन का टाइम दो, हो सकता है मेरे अलावा किसी और ने रिसीव कर लिया होगा तो उनको पता होगा, तो आप 1-2 दिन का टाइम दो और मत 1-2 दिन बाद आ जाओ, हम पूछ लेंगे। बाकी हमारा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ATM कार्ड लेने में। पहले मेरा आधार कार्ड यहाँ पर आया था फैमिली का, तो इन्होंने दे दिया था। वैसे सच में इनका कोई फ़ायदा नहीं है,
तो मतलब मिल जाता है। ये मेरा पहला घर था जहाँ पर मैं रहता था, ये जो सबसे ऊपर टॉप पे रहता था ये किंग का है, ये भी मुझे पता था और उन्होंने बेच दिया था इसको। हाँ अब आप लोग बोलोगे कि यार अब भैया आप लेबर कॉलोनी में रहते थे क्या? हाँ मैं फर्स्ट टाइम लेबर कॉलोनी में रह चुका हूँ। 2-3 साल मैं रुका था इस मकान में, सबसे टॉप फ्लोर पर मैं रहता था। नीचे शॉन्टी रहते थे, वो अजमेर में रहने लग गया, मतलब बहुत सारे हम लोग रहते थे ठीक है। नीचे अलग रहते थे, सब सेपरेट सेपरेट था, अब सब अलग अलग हो गए। कुछ अजमेर पहुँच गए, कुछ भीलवाड़ा ही हैं, कुछ मतलब सब अलग अलग बिखर गए हैं। बट जो मेन काम था वो तो हुआ ही नहीं, ना ATM मिला ना पैसे जमा हुए, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। अब मैं फिर देखता हूँ आज का दिन ऐसे ही जाएगा, लेकिन कुछ करते हैं, पैसे डिपॉजिट करना कराना जरूरी है। तो गाइस ATM कार्ड का तो समझ में आ गया, ATM कार्ड ऐसा सीन हुआ, भीलवाड़ा आया 23 तक रुका ठीक है ना, उसके बाद में भीलवाड़ा से फिर वापस निकल गया मुंबई के लिए। अब मुंबई से फिर वापस आएगा बैंक में, मतलब मेरी तरह मेरा ATM भी ट्रैवल कर रहा है। अब 10 दिन लग जाएंगे और ATM कार्ड मिलने में, मैं सोच रहा था थोड़ा जल्दी मिल जाए। चलो कोई नहीं, 10 दिन बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे, अब ट्रैक करता रहूँगा, नंबर मिल गया मुझे। और रही चीज़ पैसे डिपॉजिट करवाने की, तो वो भी मैं कल ही करवाऊँगा ठीक है, आज तो नहीं हो पाएगा। बैंक में मशीन बंद है और ई मित्र वाला भी बंद है, तो मतलब दोनों चीज़ें बंद है, तो मैं कल करवाऊँगा। अब घर चलते हैं। टन प्रताप नगर वाला रास्ता है ये। अरे इधर गेट लग गया यार, ये कॉलोनी बन गई सेपरेट, इधर गेट लग गया, ये रास्ता है। इस साइड से जा रहा हूँ मैं सैलून पे, वो इसलिए एक्चुअली उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया था, कल मैं भीलवाड़ा में था नहीं, तो मैंने कहा कल तो मैं हूँ नहीं तो आज मैं आ जाऊँगा। तो अभी मुझे याद आया कि चलो वहाँ पर भी हो लेते हैं पहले, फिर घर जाएंगे। अभी बज रहे हैं 2:10, घर पहुँचने में 3 बज जाएंगे। तो चलो वो भी काम था, भैया को मैंने बोला था मैं आ जाऊँगा, कल ही बोला था कि कल आ जाऊँगा, कल तो आ नहीं पाया, तो अब भी चलते हैं। भैया का घर इस साइड में, ये स्वास्तिक हाइट बड़ी वाली बिल्डिंग है, इसका नाम स्वास्तिक हाइट है और सीधा मेन रोड है ट्रांसपोर्ट वाली रोड। वो मेरा सेकंड घर था, मतलब वहाँ पर मेरा सेकंड घर है जहाँ पे मैं रहता था भीलवाड़ा में। मतलब 2-3 साल तो फर्स्ट वाले घर में रहा और 2-3 साल मैं इस वाले घर में रहा, अभी मैं तीसरे घर में रह रहा हूँ, उसके बीच में चौथा घर भी चेंज हो चुका है। ऐसा सीन चलता है, देखो यार मैं रेंट पे रहता हूँ, मैंने बताया नहीं कभी, मैं बताता हूँ मैं रेंट पे रहता हूँ, तो मेरे घर चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा आपको लेके चलते हैं, सेकंड वाला भी घर दिखा दूंगा, बाहर से तो दिखाई दूंगा। है लाइफ स्टाइल सैलून के जस्ट बगल वाला जो घर है ना पिंक वाला, वो मेरा सेकंड घर था ठीक है, जस्ट बगल वाला सेकंड वाला, ये मेरा सेकंड घर था, ये वाला जहाँ पर मैं साइकिल खड़ी करता हूँ, ये वाला मेरा सेकंड घर था और ये यहाँ पर मैं आया हूँ, देख रहे हो यहाँ रहता था मैं। जैसे मैंने ये घर खाली किया तब से उन्होंने किराए पर चढ़ाया ही नहीं, उन्होंने ये खाली करवाया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तब से किराए पे दिया ही नहीं किसी को। तो अंदर चलते हैं। लाइफ स्टाइल सैलून सबसे बेस्ट हेयर कट होते हैं, अगर आपको करवाने तो यहाँ ज़रूर आना। प्रांशु ने कर दिया, पूछो। अभी बज रहे हैं 2:15, तो 3 बजे तक रुकेंगे, उसके बाद हम चलते हैं घर पे ठीक है। सो अभी बज रहे हैं 2:28, अभी मैं फ्री हो गया, मतलब काम जो था वो तो पहले ही हो गया, अभी तो मैंने मिल लिया, अभी मैं चलता हूँ घर पे, घर के काम निपटाने ठीक है। 2:28 हो रहे हैं, अभी घर चलते हैं। ये मेरा दूसरा घर, अब तीसरा भी दिखा देता हूँ। भैया का ट्रैवलिंग प्लान बन गया है, भैया जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए और मुझसे भी पूछ रहे हैं छोटू चल रहा है क्या, मतलब टाइम बता दिया, मतलब 3 महीने का बाद में प्लान है, एक अच्छा प्लान है, बहुत अच्छी जगह जाने का प्लान है, बीच में 2 प्लान कैंसिल हो गए अलग अलग जगह के, ये तीसरा प्लान बन रहा है। तो पूछ रहे हैं, मैंने कहा अभी तो नहीं, जब टाइम आएगा मैं बता दूंगा, मेरा अभी कुछ मैं फाइनल नहीं बता सकता, मेरा मतलब उलट पुलट चलता रहता है। अभी तो हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं वंदे भारत पे, वंदे भारत इनॉग्रल रन मिल जाए बस, कैसे ही करके ज़िंदगी सफल हो जाएगी। एक्चुअली वंदे भारत रन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल को बूस्ट मिल सकती है वंदे भारत से, तो इसलिए हम वंदे भारत का इनॉग्रल रन जो कि 1 अप्रैल को होने वाला है भोपाल से दिल्ली के लिए और 4 अप्रैल को होने वाला है अजमेर से दिल्ली के लिए, तो इन दोनों का ट्राई करेंगे, एक तो मिल ही जाए, दोनों का ट्राई करेंगे। अजमेर वाला का तो मतलब फुल कोशिश करेंगे, फुल एफर्ट कर रहे हैं उसके लिए। ये है हमारा तीसरा घर जहाँ पर अभी हम करेंटली रह रहे हैं, देख लो, जूते से जल्दी से खोलो ठीक है, जल्दी से गेट खोलो और बाहर सीन देखो। हाँ फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ, टाइम हो रहा है 2:35, पानी नहीं पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद में। सो गाइस कैसे हो आप लोग, अभी बज रहे हैं 5:30 और अभी मैं मिल रहा हूँ, एक्चुअली मैं 2:30 के बाद में, 2:30 के बाद में मैं बिजी हो गया, सारे काम अब निपटाने के बाद में मैं अभी आपसे मिल रहा हूँ। अभी मतलब मौसम तो ऐसा हो रहा है, मतलब सुबह से ही ऐसा मौसम हो रहा है, एकदम ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश वाला माहौल चल रहा है ऐसा समझ लो, और पीछे बैकग्राउंड में सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उस साइड में, मुझे भी बुला रहे थे कि शरद भैया आ जाओ क्रिकेट खेलते हैं, मैंने कहा भाई मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वीडियो एडिट करनी, काम हम करने, तो अभी मैं फ्री हुआ हूँ,
घड़ी तो है नहीं। बट गाइस वीडियो आज अपलोड नहीं हो पाई, एक्चुअली एडिट सब कुछ कर लिया, वीडियो अपलोड करना बस कैसे करके वीडियो आज अपलोड करना है और आज रात में 8 बजे पब्लिश करना है। मतलब कैसे करके मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे मिल गया नेट एड कहीं भी डेटा एटा मिल गया मैं कर दूंगा। मेरा आधा खत्म हो चुका है यार, नाइट में फ्री आता है मतलब 12 से 6 बजे फ्री चलता है। मैंने कल एडिट नहीं कर पाया क्योंकि थक ज़्यादा गया था, तो आज मैंने मतलब एडिट कर दिया था, अपलोड नहीं कर पाया था, पब्लिश नहीं कर पाया था, तो आज वो काम करना पड़ेगा। ये देखो ये सारे मैच खेल रहे हैं, हाय हाय हाय, ये सारे लोग मैच खेल रहे हैं यहाँ पर। वो देखो बंदर बैठा है टंकी के ऊपर, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया है और ज़्यादा ऊपर गया ना ये मेरे पास आ जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा हूँ ठीक है, ये मुझे देख भी नहीं रहा है। तो अभी मैं फिर से घर से बाहर निकल चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सब्जी मंडी सब्जी लेने। इस साइड में देखो पेट्रोल पंप पे छतरी रखी जा रही है बरसात से बचने के लिए। इधर से हम एंटर हो गए हैं सब्जी मंडी में, लेबर कॉलोनी की सब्जी मंडी है ये देख लो। सोचते हैं क्या लेते हैं, 20 रुपये किलो खीरे ले लिए हमने, तो करेले ले लिए, और अभी मैं जा रहा हूँ दूध लेने डेयरी पे और उसके बाद मैं घर जा रहा हूँ। ये है पन्नादाई सर्कल की डेयरी, जो कि पन्नादाई सर्कल ये है और डेयरी इस साइड में ये है पीछे वाली डेयरी। इधर से दूध लेके मैं इधर सामने निकल जाऊंगा इधर। ये देखो मेरे बैक साइड में मिलन आ रहा है ना, मिलन वाला, उसके सामने मेरी रास्ता गई है ये। अभी नहीं, अबे अबे है ये, और हल्का सा टर्न करके ये रास्ता गया है सीधा इधर, और आगे जाके वो एक्टिवा मुड़ गई ना आगे पार्क है, पार्क से फिर लेफ्ट साइड में मुड़ना है। अब ये मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूँ, किसी ने बोला था कि अपनी कॉलोनी का ब्लॉग बनाओ, तो मैंने कहा बना देंगे, तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ इसमें। ये देखो क्या चल क्या रहा है तुम्हारे, पिटेगा ना अभी। सो अभी हम आ गए पार्क में, 7 बज रहे हैं स्कूल में सिर्फ हमारा मतलब बैट बॉल खेलने के लिए, बॉल गुम हो गई, मिली या नहीं मिली, रोशनी देखो कितनी अच्छी आ रही है, आ गई, जाओ बॉल लेके आओ, बॉल गुम हो गई। पार्थ कहाँ है बॉल जल्दी बता, नीचे आई है मैं बता रहा हूँ, ऊपर नहीं गई है, मेरे को ध्यान था यहाँ नीचे आई थी लोड, यहाँ मंदिर है, मंदिर में मतलब भजन कीर्तन स्टार्ट हो गए। सब्सक्राइब सब्सक्राइब, व्यू देखो कितना अच्छा आ रहा है इस टाइम लाइट की वजह से, बॉल नीचे आई है मैं बोल रहा हूँ, मैंने देखी थी बॉल नीचे आई बट लाइट की वजह से ज्यादा नहीं दिखी। देखना ये ऊपर जा रहा है, पेड़ के ऊपर चढ़ेगा, पेड़ से ऊपर जा रहा है भाई, नाइट में पेड़ पे नहीं चढ़ते, रहने दे कल ढूंढ लेंगे कल, रहने दे नीचे आ जा, नीचे आ जा भाई रहने दे। ये देखना नाइट में छत के पेड़ के ऊपर चढ़ा है, नीचे उतर, रात में पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ते, नीचे उतर जल्दी, नाइट में नहीं चढ़ते पेड़ के ऊपर ठीक है। अभी देखो बॉल नहीं मिल रही, कहाँ है बॉल, इसने जय ने मारी थी बॉल, जय बॉल ढूंढ भाई कहाँ चली गई, बॉल बहुत अच्छी थी, शॉट मारो और मारो शॉट, बॉल यहाँ मिली, हम वहाँ ढूंढ रहे थे बॉल यहाँ मिली है, ओ चल मैंने सच बता किसने ढूंढी, मैंने तो बताई, हाँ ठीक है बॉल मिल गई कल खेलना, मिल गई कल खेलते हैं, बाइस हाँ सब्सक्राइब कर लेना। एक्चुअली इसको एंड करते हैं, कल मिलते हैं ना, ऑफ करते हैं, कल मिलते हैं, बाय, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बाय 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 बाय।